यार अभी क्रिसमस पे वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने सोचा था कि अब सीधे न्यू वीडियो जो है न्यू ईयर पे अपलोड करूंगा, लेकिन इस बच्चे निगल के डकार ना मारने वाले इंसान ने, इस बच्चे निगल के डकार ना मारने वाले सांड ने मुझे मजबूर कर दिया वीडियो बनाने पे। मेरा ये मैसेज इंडिया के आर्मी चीफ के लिए, तुम हर हमेशा पाकिस्तान को 6 इंच सिर्फ करते आ रहे हो, मैंने तुम्हारे ग्रेट काली को 6 इंच किया है, तुम लोग इतने बेगैरत हो गए, अभी तक उसको तुमने तैयार ही नहीं किया, अभी भी मैं उसका इंतजार कर रहा हूँ। हाँ तो करते रहो इंतजार, उससे क्या हो रहा है, ऐसे पता नहीं कितने लोग कितनों का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे मैं कहने लगता हूँ कि भाई मैं जॉन सीना का इंतजार कर रहा हूँ, आजा भी आजा जॉन सीना, माँ का दूध पिया तो मार के दिखा मुझे, तो ऐसा मेरे कहने से आगे मुझे मारेगा थोड़ी ना, उस पर इतना टाइम थोड़ी रखा है, तो भाई ऐसी तुम्हारे बोलने से खली थोड़ी ना आगे तुम्हें पेल देगा। तुम लोग हमारे साथ क्या लड़ोगे? लड़ना भी नहीं है भाई, प्यार बढ़ाओ प्यार, लड़ाई लड़ाई माफ करो, इस गैंडे को साफ करो। हम तुम्हें बंदूकों से नहीं, सिर्फ थप्पड़ से मारेंगे। थप्पड़। अबे जा यार, पहले जाके मुंह में से पान थूक क्या, फिर बात करियो तू। एक हाथ तुम सबके लिए काफी है, तुम ये पठान का हाथ है, पठान का। हाँ देख लो, ये पठान का हाथ है और ये जो है ये पठान की पूरी बॉडी है, और ये जो हाथ है ना, सुबह सुबह पिछवाड़ा धोने के लिए पठान की गाड़ तक नहीं पहुँच पाता है, और पठान चले है भाई पूरे इंडिया को वो करने, क्या कहते हैं, लड़ाई करने। काफी लोगों को पता होगा भाई गांड बाबा कौन है, खान बाबा कौन है, काफी को नहीं पता होगा, तो जरा ये पाकिस्तानी मीडिया का एक वीडियो है वो देख लो, उससे तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई खान बाबा कौन है। वजन 8 मन, कद 6 फुट 4 इंच, उम्र 24 साल, ये है मर्दान से ताल्लुक रखने वाला खान बाबा, जिसका वजन 18 साल की उम्र से ही बढ़ना शुरू हुआ है। खान बाबा का दावा है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर शख्स है, भारी जसामत और ताकत ऐसी कि सारे नामुमकिन करतब उनके लिए बन गए हैं। बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का। अरे भाई क्या ताकत है यार, ट्रैक्टर खींच दिया अपने एक हाथ से ही, ताली बजाओ सब, ताली बजाओ, ताली बजाओ। बहुत से लोगों का वीडियो देखने के बाद कुछ ऐसा हाल हुआ होगा, लेकिन जो समझदार लोग हैं वो सीधे अपने अंदर से इसे चूतिया कह रहे होंगे कि देखो वो रहा चूतिया जो कि हमारा चूतिया बनाने चला, लेकिन इसका खुद का चूतिया बन रहा है। पहली बात तो भाई देखो, ट्रैक्टर को कोई इतनी आसानी से रोक नहीं सकता, वो कई सौ क्विंटल वजन ढोता है, वो ट्रैक्टर है कोई, वो मयूरी 3 पहिए वाली बैटरी पे चलने वाली रिक्शा नहीं है जो कि एकदम ऐसे ही हाथ पकड़ के कोई खींच लेगा। और भाई अगर कोई खींचेगा भी, अगर रोक भी लेगा, तो भाई आगे पीछे जरूर होगा, ट्रैक्टर है ऐसे नहीं कि एकदम ही एक जगह पर खड़ा हो गया। इससे भाई साफ पता लगता है कि ट्रैक्टर के नीचे कोई जैक वैक लगा रखा है, इसीलिए वो एक ही जगह पे ऐसे घूम रहा है, वरना भाई अब तक तो खान बाबा घिसे चले जाते कहीं तक दूर तक। पाकिस्तानी हुल्कमैन पैदाइशी भी मैं बहुत बड़ा था, लेकिन अभी जो मेरी डेली रूटीन है वो 10,000 कैलोरीज का डाइट है। 10,000 कैलोरीज की डाइट, अच्छा था, उसमें आप खाते क्या क्या हो? 4-5 किलो गोश्त, 4-5 किलो गोश्त, और 3-4 चिकन्स, 4 चिकन्स, और 4-5 किलो दूध वगैरह, 4-5 किलो दूध वगैरह। अच्छा तो फिर तुम हगते भी बहुत सारा होगे। इतना कोई कैसे खा सकता है भाई, ये बताओ मुझे, इंसान तो नहीं होगा अगर कोई बंदा इतना खा रहा है तो। पता है मेरे जो दोस्त है वो बहुत खाते हैं, और जब उनको फ्री का खाना मिलता तब वो और भी ज्यादा खाते हैं, लेकिन इतने सारे खाने में ना मेरे वो सारे दोस्त एकदम खा पी के डकार मार देंगे, एकदम पेट तक गले तक भर लेंगे यार इतने सारे खाने से अपना पेट। जापान में 5 टन वजन उठाने का आलमी रिकॉर्ड भी अपने नाम कर चुका है। देखना चाहोगे भाई कैसे उठाया था इसने 5 टन वजन जापान में जाके? Yesterday, he did the history, he made for world weightlifting new record in America Weightlifting Championships 2017. The weightlifting new record. सोच रहे हो भाई कि ये तलवार का बीच पहन के क्यों पहुंच गया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने, क्योंकि ना इसके साइज की चड्डी बनियान ही नहीं मिले बाजार में, इसलिए इसे यही पहन के जाना पड़ा। और जरा मेन मुद्दे पे आ जाते हैं अभी। खान बाबा ने एक ठीक ठाक एडिटर हायर करके वीडियो एडिट अच्छी करवाई है, वैसे इस सब के लिए हम तालियां बजाना चाहते हैं, लेकिन ग्रीन स्क्रीन के प्रयोग में तुम लोग मात खा गए। ये जो खान बाबा की सफेद सलवार कमीज में तुम वाइट वाइट से नॉइस सा देख रहे हो ना थोड़ा सा, ये होता है भाई जब जब हम ग्रीन स्क्रीन यूज करते हैं और लाइटिंग परफेक्ट नहीं होती है तो।
तो भाई इससे साफ पता लगता है कि वीडियो एडिट किया गया है गंदी हालत से, एकदम गंदी एडिटिंग। अंदाजा लगा सकते हो कि खान बाबा के अंदर कितनी पावर है। अगर पावर होती तो ये फर्जीवाड़ा करने की जरूरत नहीं होती। और भाई मुझे तो ये वेट्स भी नकली लग रहे हैं, जैसे थर्मा कॉल के बना लियो। अभी तुमने देखा कि खान बाबा के अंदर कितनी ताकत भरी हुई है, कितने पावरफुल है वो। और इतना ही नहीं, खान बाबा के अंदर फुर्ती भी बहुत भरी हुई है, एकदम ठूस ठूस के बहुत ही ज्यादा फुर्ती लाई है। आने वाले टाइम में यूसेन बोल्ट के साथ भागेगा चांद तक नंगे पैर। पहली भाग गया भैया, गाड़ी तो चली ना, ये तो चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई, चीटिंग हो गई। क्या बोलूं यार मैं, बच्चों वाली हरकतें है ये। मतलब एक खत्म गाड़ी लेके उसके साथ रेस लगाई जा रही है, वो भी इतनी सी दूर के लिए। भाई जरा लंबी दौड़ के दिखाओ तब भागना, तब भी नहीं भागे जाएगा तुमसे तो। लकड़ी की काटी, काटी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मार रहा तोड़ा, दौड़ा 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 देखो बहन का दौड़ा। चार सौ किलो का बंदा 40 किलो के बंदों को उठा के अपने आप को बाहुबली समझ रहा है। अय्या बहन को सही है। कल को मैं भी अपने गली के बच्चों को एक हाथ से उठा उठा के अपने आप को बाहुबली समझने लगता हूँ, फिर किसी को मैं भी चैलेंज दे देता हूँ कि आज भोसड़ी की लड़ाई कर ले गांड में कूदा है तो। ये खान बाबा कर रहा है, लेकिन मैं क्यों ऐसा करूंगा यार, मैं चूतिया थोड़ी हूँ। बस भाई और नहीं भाई, वीडियो इधर ही खत्म होता है। तो यार बस आज का वीडियो इधर ही खत्म होता है। अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक वाइक कर देना, शेयर वेयर भी कर देना। और न्यू ईयर आ गया है, हैप्पी न्यू ईयर। और इसी नए साल के साथ कुछ अच्छा काम कर दो, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। और यार अभी बहुत सारे जो है पाकिस्तानी लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, कोई किसी से हेट नहीं करता है, सबको पता है। तो भाई प्यार बढ़ाओ और ऐसे ऐसे लोगों को सपोर्ट ना करो, क्योंकि ये चूतिया है, सीधी सी बात है, ये तुम्हें भी पता है हमें भी पता है। तो स्प्रेड लव, नो हेट, ओनली लव। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर और अच्छे अच्छे काम करो इस साल में, इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करो सबसे पहले, सबसे अच्छा काम यही होगा। बाय।